हाँ भाई, बेरोजगारों क्या हाल है? सुनो भिखमंगों, मेरी बात ध्यान से, ठीक है? सबसे पहली बात जो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा आरआरबी जेई सीबीटी टू में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है? और सीबीटी टू में क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वैसे सीबीटी टू का कॉम्पैक्ट सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? नहीं पूछता आरआरबी ज़्यादा ऊटपटांग चीज़ें, ठीक है? सिंपल आएगा पेपर अगर आया भी तो। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती आ रखी है, ठीक है? जो जो भी बंदा उसमें एलिजिबल है ना, मैं आपको कहता हूँ उसे भी भरें, उसे भी भरें। सुनो अब भिखमंगो, तुम क्या बोलोगे कि यार ये तो बोल रहा है अब ये बन जा वो बन जा, पहले तो तू कहता था जेई बन जा। सुनो 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 मेरी बात, तुम्हारे को ऊपर वाले ने खोपड़ी दी है तब भी सुनो, तुम्हारे को ऊपर वाले ने खोपड़ी नहीं दी तब भी मेरी बात सुनो। सुनो अभी ना वैकेंसी क्राइसिस चल रहा है। अब वैकेंसी क्राइसिस का क्या मतलब होता है, सुनो मेरी बात। वैकेंसी क्राइसिस का मीनिंग होता है जो जॉब आप चाहते हैं वो मार्केट में उसका ना होना, ठीक है? अब जैसे मान लो कोई बंदा चाहता है कि वो यूपी आरवी यूएनएल में जेई बने, यूपी पीसीएल में जेई बने या रेलवे में जेई बने, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं बन पा रहा, अगर वो नहीं बन पा रहा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ ज़रूर अपना करे। जब तक ये वैकेंसीज आती हैं तब तक आप उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें। अब जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल में भी वैकेंसी आ रखी है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल की कम है लेकिन आप भरें उसको। क्यों भरें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को भी? भाई अभी ज़्यादा वैकेंसियों वाली या बड़ी कोई नौकरी है नहीं मार्केट में, ठीक है? तो आपको भरना चाहिए उसको, ठीक है? एक वहाँ ज्ञापन दे के आया था लखनऊ के अंदर, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, जिसने भी ज्ञापन दिया है, ठीक है? तो जो ज्ञापन दे के आया था लखनऊ के अंदर, वो बोल रहा था कि इस साल यूपी पीसीएल जेई की वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है, आएगी भी तो बहुत लेट तक आएगी, अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है? ज्ञापन वाला बोल रहा था, ठीक है? तो अगर ज्ञापन वाले की बात बिल्कुल सही ठहरती है तो मेरे हिसाब से आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का भी फॉर्म भरना चाहिए। अच्छा, DSSB के अंदर ना जेई की वैकेंसी आ रही है, DSSB जेई बहुत अच्छी पोस्ट होती है, पावर भी अच्छी है, लेकिन यार वहाँ पे सीट चार हैं। तो अब आपको देखना है कि आप चार सीट में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो देखो यार, NBCC मैंने इसलिए बोला था कि 10 सीट में फिर भी एग्ज़ाम निकल सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हॉल भी आप निकाल सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका तुक्का चल जाता है, टेक्निकल आपका अच्छा, नॉन टेक अच्छा, आप आराम से निकाल देंगे, ठीक है? ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, NBCC भी आप भरें और DSSS भी, यार चार सीट है उसके अंदर, तो DSSS भी तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा मन क्या बोलता है, भरे या ना भरे। मेरे हिसाब से आपको सारे फॉर्म भरने चाहिए प्रेजेंट टाइम के, कि कहीं भी तुम्हारे जैसे निकम्मों की नौकरी लग जाए एक बारी, ठीक है? क्योंकि है नहीं वैकेंसी मार्केट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर वैकेंसी मार्केट में होती तो मैं बिल्कुल भी आपको ये सलाह ना देता कि आप ये फॉर्म भर दें, ALP का भर दें। हो सकता है मैं ये भी बोल देता कि ALP भी स्किप कर दो, तुम रेलवे JEE और UPPCL JEE भरो या UPRVNL भरो। UPPCL में कोई वैकेंसी का चांस अभी दिख नहीं रहा, ज्ञापन वाले ने बोला था UPRVNL में दिख नहीं रहा, ठीक है? अब इनका 11 तारीख को कुछ धरना वरना है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो अलग बात है, आज है, ठीक है? पर मुझे लगता नहीं है, जिस तरीके से आजकल सरकार के तेवर चल रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि वैकेंसी देने के मूड में है, ठीक है? UPSSC में इलेक्ट्रिकल का कोटा ही ख़त्म हो गया, ठीक है? UPSSC बोल रहा है कि सिविल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियर होता है इलेक्ट्रिकल से। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, बिना बिजली के तो कुछ चलता नहीं। अब UPSSC को ऐसा क्या सूझ गया, या UPSSC ने ऐसे कौन से भांग के पकौड़े खा लिए कि उन्हें लग रहा है कि सिविल के अलावा और कोई इंजीनियरिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो अब ये तो UPSSC वालों से पूछना वहाँ पे जाके, जिस दिन 11 तारीख को जा रहे हो, कि तुमने कौन से भांग के पकोड़े खा लिए हैं, या ऐसा क्या तुम्हारे सर के अंदर घुस गया कि तुम्हें सिर्फ सिविल ही नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से है, ठीक है? अब कुछ भिखमंगे मेरे को बोलेंगे नकारा छपरी लड़के, भाई तू भी आ जा 11 को, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, क्योंकि वो लखनऊ की तरफ को है। और जो जो रहता है, अब मान लो जैसे कोई लखनऊ की तरफ को रहता है तो वो जाएगा ना, इतनी दूर से कौन उठ के आएगा, यही काम रह गया क्या? ठीक तो बोल रहा हूँ, जैसे मान लो लखनऊ की तरफ से अगर कोई है, और पहली बात स्टूडेंट तो उधर के ही जाते हैं, बाकी जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है? ठीक है, वो जा सकता है, ठीक है?
और मेरी कोई औकात भी नहीं है, मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँगा किसी को समझ भी नहीं आना भाई ये है कौन, ठीक है। मेरे को वो खुद कहेंगे भाई वही निकम्मे तू कौन है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। कम से कम वो ज्ञापन वाले को लोग जानते तो हैं, उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और बाकी जितने जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के लड़के आने हैं उनका जाना वहाँ बनता भी है, मेरे जैसे निकम्मे का जाना बनता भी नहीं है। मैं बस यहाँ से तुम्हें गाइड कर देता हूँ, जिस दिन ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए कुछ हो गए वो तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया, ये फॉर्म आ रखे हैं भर लेना, ठीक है। 11 तारीख को इनका कोई धरना धुरना है बच्चों का, उसके बाद कोई वैकेंसी आती है तो ठीक है, ठीक है, तो फिर देखी जाएगी, ठीक है। अब चलो अपना काम करो।